नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। जी हां, उसमें लिखा गया कि तबलीग जमात संगठन को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने लेटर लिखा है जो प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है। जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, ऐसे समय में दिल्ली राज्य के निजामुद्दीन मरकज में तबलीग जमान का आयोजन किया जाना, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम दिशा निर्देश इस प्रकार के जारी हुए थे कि कोई भी भीड़ या समूह एकत्र नहीं किया जाएगा। जिस कोरोना महामारी की वजह से मंदिर गुरुद्वारों चर्चों में ताला लग गया, यहाँ तक कि मक्का मदीना और काबा शरीफ जैसी पवित्र जगहें भी बंद पड़ी हैं, उसके बावजूद इस प्रकार का कृत्य वहां पे हजारों हजार विशेष वर्ग के लोगों को लाकर किया गया और वहां पे जो समुदाय एकत्र हुआ उसमें कई विदेश के लोग भी थे जो कोरोना से संक्रमित थे, जिनसे वो जो भारतीय मुसलमान थे उनको भी कोरोना की जैसी महामारी हुई और तेलंगाना का उदाहरण हमारे सामने कि 6 लोगों की वहां पे मौत हो गई है। मित्रों, ये इस प्रकार का कृत्य राष्ट्र विरोधी कृत्य है और देश विरोधी कृत्य है, तथा वहां पे जो मौलाना सैद जो उसके आयोजन करता थे उनका ये कहना कि इस प्रकार का जो रोक लगाई है केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने, वो इस नाते लगाई है कि मुस्लिमों को मस्जिदों में जाने से रोका जाए, मुस्लिम समाज एकत्र ना हो, वो संगठित ना हो, ये इस प्रकार की जो भावना उनके द्वारा अपने बयान में दी गई, तो यह भावना देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, विभिन्न समुदायों में व्यमनस्ता पैदा करने वाली है। तमाम प्रदेशों से युवा उपरोक्त मरकज में एकत्र हुए, वहां पे तबलीग जमात में एकत्र हुए और अब वो पता नहीं कितने संक्रमित हैं या नहीं है, वो हजारों हजार लोग जो है पूरे देश में विभिन्न जगह जा रहे हैं, ये जाके बीमारी फैलाएंगे। इस प्रकार का कृत्य राष्ट्र विरोधी है, इसलिए मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और तबलीग जमात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने की मैंने मांग की है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस प्रकार के जो भी संगठन है जो सांप्रदायिक सद्भावना बनाकर संप्रदाय विशेष में विद्वेष पैदा करते हैं, जो कि विभिन्न समुदायों को लड़ाने वाला कृत्य करते हैं, ऐसे तमाम सांप्रदायिक संगठनों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए।